हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसके सोनू टेक वर्ल्ड। देखिए फ्रेंड, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आप सभी को बता दूं कि जेपी यूनिवर्सिटी छपरा स्नातक पार्ट थर्ड परीक्षा सेशन 18-21 एंड स्पेशल परीक्षा 2021 के लिए मैं आप सभी को कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया था, जिसमें पोलिटिकल साइंस ऑनर्स और इंग्लिश ऑनर्स का मैं बहुत से छात्रों को क्वेश्चन दिया था। तो छात्रों में बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि वो लोग बता रहे हैं कि आपने जो भी क्वेश्चन दिया था एकदम 100% वही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया था। देखिए फ्रेंड, मैं स्टूडेंट को 13 क्वेश्चन दिया था, जिसमें से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम वही क्वेश्चन आया था। आप सभी को मालूम है कि जब 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है उसमें से मात्र आपको 5 ही क्वेश्चन लिखना होता है, लेकिन हमारे सिलेक्टेड क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। तो छात्रों में बहुत ज़्यादा खुशी है। बहुत से लोग ये बोलते थे कि क्या गारंटी है कि आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन से एग्जाम में आ ही जाएगा। तो आप सभी जाकर के मिलान कर सकते हैं कि हमारे सिलेक्टेड क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन आया था। देखिए फ्रेंड, आप सभी को मिलान करने के लिए मैं कम्युनिटी टैब में जो क्वेश्चन सिलेक्ट किया था उसको अपलोड कर दिया हूँ। वहाँ से जाकर के आप लोग मिलान कर सकते हैं कि जो भी लोग पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम दिए होंगे, जो लोग इंग्लिश का एग्जाम दिए होंगे, वो लोग जाकर मिलान कर सकते हैं कि आपके एग्जाम में कितना क्वेश्चन आया था और कौन कौन से हमारे सिलेक्टेड क्वेश्चन से एग्जाम में आया था। फ्रेंड, आप सभी को बता दूं कि मैं आपको 10 बजे ही क्वेश्चन को अपलोड कर दिया था, ताकि नहीं तो बहुत से छात्र ये बोलते कि आपने तो 1 बजे के बाद अपलोड किया है, 12 बजे के बाद अपलोड किया है, आपने क्वेश्चन देखकर अपलोड किया है। इसलिए मैं 10 बजे ही क्वेश्चन को अपलोड कर दिया ताकि आप सभी को विश्वास हो सके कि सच में यही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।